हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू एनसीईआरटी बुक क्लास 3 यूनिट 4 की पोएम सी सॉन्ग। दिस पोएम इज रिलेटेड विद दिस चाइल्ड हु फाइंड अ शेल। ठीक है, तो ये शेल क्या होते हैं? ये शंख आपने सुने होंगे, शंख को इंग्लिश में शेल बोलते हैं और ये मोस्टली आपको समुद्र के पास ही मिलते हैं। पोएम का नेम है सी सॉन्ग। आइए देखते हैं। हैव यू एवर कलेक्टेड शेल्स? क्या आपने कभी शेल्स इकट्ठे किए हैं? एंजॉय दिस पोएम अबाउट ए शेल दैट सिंग्स। आइए इस पोएम को एंजॉय करें। ये पोएम किसके बारे में है? एक शेल के बारे में है और वो शेल क्या करता है? सिंगिंग करता है, गाना गाता है। ठीक है, इस पोएम में इस ये जो बॉय है इसे एक शेल मिलता है समुद्र के पास और वो गाना गाता है। वो शेल ये बॉय ध्यान से सुनता है और बहुत ही खुश होता है। हाँ जी, देखिए, आई फाउंड अ शेल, अ कर्ली वन, लाइंग ऑन द सैंड। आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम, कोल्ड इनसाइड माय हैंड। Mummy looked at it and then she held it to my ear. And from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised, I listened hard, but it was really true. I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. आइए recite करते हैं इस poem को। I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ear. And from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised, I listened hard, but it was really true. I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. I repeat, एक बार सुन लीजिए। I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ear. And from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised, I listened hard, but it was really true. I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. Okay, this is how you have to recite this poem. अब देखते हैं इसकी explanation. मैंने आपको बताया था this poem is about this boy and this shell. तो ये बॉय कहता है आई फाउंड अ शेल अ करली वन। इस बॉय को एक शेल मिला है, शंख मिला है। ये कहते हैं मुझे एक शंख मिला, अ करली वन, जो करली था, इस तरह का था, घुमावदार था। लाइंग ऑन द सैंड, कहाँ मिला उसे? मिट्टी में पड़ा हुआ मिला। आई पिक्ड इट अप, क्या किया फिर बॉय ने? उसने उसे उठा लिया। एंड टुक इट होम, और अपने घर ले गया। कोल्ड इनसाइड माय हैंड, और जब वो उसे उसने उसे उठाया, हाथ में उठाया, तो वो उसे हाथ में ठंडा लगा। मम्मी लुक्ड एट इट, मम्मी ने इसे देखा। एंड देन शी हेल्ड इट टू माय ईयर, और फिर उन्होंने क्या किया? मम्मी ने मेरे कान के पास ले आए, कान के पास पकड़ा। एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग, और शेल में से क्या हो रहा था, शंख में से क्या हो रहा था? एक गाने की आवाज आ रही थी।
सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर, कैसा था सॉन्ग? बड़ा ही सॉफ्ट था, नर्म था और स्वीट था, मीठा था और क्लियर सुनाई दे रहा था। आई वॉज सरप्राइज, मैं बहुत सरप्राइज हुआ, बहुत आश्चर्यचकित हुआ, हैरान रह गया। आई लिसन्ड हार्ड, मैंने उसे बड़े ध्यान से सुना। बट इट वॉज रियली ट्रू, लेकिन सच में ये सच था। आई विश यू वुड फाइंड अ नाइस बिग शेल, और मैं ये विश करता हूँ, मैं ये इच्छा करता हूँ कि तुम्हें भी इस तरह का एक अच्छा बड़ा शेल मिले, शंख मिले, एंड हियर इट सिंगिंग टू, और तुम भी उसे सुनो और एंजॉय करो, तुम्हें भी सुनने का मौका मिले। तो देखा पोएम में कितना अच्छा इंटरेस्ट बना, उस बच्चे को शंख मिलता है और फिर शंख सिर्फ शंख नहीं था, उसमें से गाने की आवाज थी जिसे उसने बहुत इंजॉय किया। ठीक है, तो ये इस पोएम को अब समझने के बाद अब हम इसके न्यू वर्ड्स देखेंगे। हमने इसमें कौन से न्यू वर्ड्स सीखे? देखिए, फर्स्ट इज शेल। शेल था, क्या क्या होता है शेल? हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर टू कवर, एक बहुत ही हार्ड, शंख को बोलते हैं, बहुत ही हार्ड होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है। प्रोटेक्टिव मतलब वो उसको सेफ रखता है, टू कवर, किसी चीज को ढकने के लिए। ठीक है, दिस इज शेल। नेक्स्ट इज हेल्ड। हेल्ड क्या होता है? टू कीप और कैरी समथिंग, किसी चीज को उठाना या उसको रखना। सरप्राइज, सरप्राइज क्या होता है? बहुत शॉक हो जाना, मतलब कुछ हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा और वो हो जाता है, तो क्या हो जाता है? आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, उसे बोलते हैं सरप्राइज्ड। समथिंग दैट वी डिड नॉट एक्सपेक्ट, कुछ ऐसा जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया, हमने आशा नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट कर्ली। कर्ली क्या होता है? फुल ऑफ कर्ल्स। कर्ल्स क्या होते हैं? जो घुमावदार कुछ भी होता है उसे कहते हैं कर्ल। जैसे आपने कर्ली हेयर सुने होंगे, जिसके घूमे हुए हेयर होते हैं उसे बोलते हैं कर्ल। तो ये जो इस पोयम में जो ये शंख था, शेल था, ये भी कर्ली शेप में था। नेक्स्ट क्लियर। क्लियर होता है बिल्कुल साफ, बिल्कुल आसान, इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही आराम से समझ में आने वाला। ये थे हमारे न्यू वर्ड्स। आइए अब करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन इज वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शेल? बच्चे को सी शेल, शंख कहाँ मिला था? कहाँ मिला था उसे? समुद्र के पास, मिट्टी में पड़ा हुआ मिला था। दिस इज हाउ यू विल राइट द आंसर। द चाइल्ड फाउंड द सी शेल ऑन द सैंड, कि उसे कहाँ मिला था? वो मिट्टी में मिला था। देखिए द चाइल्ड, यहाँ द चाइल्ड एज इट इज, फाइंड फाउंड में चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिड है, पास्ट में आपको आंसर देना है। द चाइल्ड फाउंड द सी शेल ऑन द सैंड, सिर्फ आपको ऑन द सेंट ऐड करना है। नेक्स्ट इज व्हाट डिड द चाइल्ड डू विद द शेल? बच्चे ने क्या किया था शेल के साथ? क्या किया था उसने? अपने घर ले गया था उठाकर। देखिए, यस द चाइल्ड पिक्ड अप द शेल, बच्चे ने शेल को उठाया और एंड टुक इट टू इज होम, और फिर उसे अपने घर ले गया। इसमें सिर्फ द चाइल्ड आप क्वेश्चन में से ले सकते हैं, बाकी का आंसर आपको खुद लिखना है। आंसर क्योंकि यहाँ डिड है तो आपको पास्ट फॉर्म्स यूज करनी है, यहाँ पर पिक्ड हो जाएगी, यहाँ पर टुक हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट व्हाट डिड द चाइल्ड हियर? बच्चे ने क्या सुना? क्या सुना उसने? देखिए द चाइल्ड हर्ड अ सॉफ्ट स्वीट एंड क्लियर सॉन्ग फ्रॉम द शेल। बच्चे ने क्या सुना था? एक सॉफ्ट स्वीट और क्लियर सॉन्ग,
उस शंख में से। यहाँ लेंगे द चाइल्ड एज इट इज, हेयर का हर्ड हो जाएगा और फिर आगे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने न्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू।